So guys, my name is Pramod, and so today we will discuss about IPsec VPN. So यहाँ पर डिस्कस करेंगे IPsec VPN के बारे में कि VPN क्या होता है. तो बेसिकली VPN क्या चीज़ है? VPN क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी. दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ IPsec VPN. इज ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल विच सिट ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल IP लेयर. ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर पे काम करेगा. एंड इट अलाउ टू और मोर होस्ट टू कम्युनिकेट इन ए सिक्योर मैनर बाय ऑथेंटिकेटिंग एंड इंक्रिप्टिंग ईच IP पैकेट ऑफ ए कम्युनिकेशन सेशन. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगरेशन. VPN कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि IPsec VPN इज ए सिक्योरिटी फीचर दैट अलाउ यू टू क्रिएट सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क लोकेटेड ए डिफरेंट साइट्स. ओके, सो आगे हमारे पास है कि पर्पस ऑफ IPsec VPN. IPsec VPN का क्या पर्पस है? IPsec इज ए IETF, दिस इज स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड सूट ऑफ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड डेटा ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंटली एज डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन कम्युनिकेशन पॉइंट अक्रॉस IP नेटवर्क. IPsec प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी एट ए IP पैकेट लेवल. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, हाउ डज द IPsec टनल वर्क, कि IPsec टनल कैसे काम करेगी. ठीक है, तो IPsec टनल मोड इज यूज टू प्रोटेक्ट साइट टू साइट ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क सच एज साइट टू साइट नेटवर्किंग थ्रू द इंटरनेट. द सेंडिंग गेटवे इनकैप्सुलेट द इंटायर IP डायग्राम बाय एडिंग ए न्यू IP हेडर एंड देन प्रोटेक्ट द न्यू पैकेट यूजिंग वन ऑफ द IPsec प्रोटोकॉल. ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें कुछ हमारे IPsec में कुछ फेसेस आते हैं हमारे पास, जैसे फेस वन और फेस टू. ये दो हमारे फेस वन और फेस टू हैं. ठीक है, और यहाँ पे नीचे मैंने कुछ ऑथेंटिकेशन AH के बारे में कुछ हेडर IPsec AH हेडर के बारे में कुछ डिटेल प्रोवाइड करी है. AH हेडर में क्या होता है हमारा, नेक्स्ट AH HRD AH लेंथ रिजर्व SPI सिक्योर पैरामीटर इंडेक्स स्वीकेस्ट नंबर आता है यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन डेटा. ओके, ऑथेंटिकेशन डेटा लाइक जैसे कि MD5 ऑथेंटिकेशन, हम कोई प्लेन टेक्स्ट आते हैं जैसे, और या फिर SHA-1 हैश. ओके, तो बेसिकली जो यूज़ में आता है वो MD5 और SHA है, SHA एल्गोरिथम. तो यहाँ पे इस IPsec हेडर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसमें कि नेक्स्ट HRD क्या होता है, AH लेंथ क्या होती है, रिजर्व क्या होता है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन डेटा कैसे हम इसमें और. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि IPsec को VPN को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. तो बेसिकली जो IPsec VPN को कॉन्फ़िगर करने के लिए ओनली देयर इज 5 स्टेप, सिर्फ हमारे पास 5 स्टेप हैं. ठीक है, मीन्स कि 5 स्टेप के थ्रू आप IPsec VPN को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, कॉन्फ़िगर ISA कैम फेस वन. ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट एक्सटेंडेड ACL. ACL मीन्स जो भी हमारे इंटरस्ट्री ट्रैफिक है उसको, जिसको हमें ट्रैफिक को सेंड करना है उसके लिए हमें उसको परमिट करना पड़ेगा. देन क्रिएट IPsec ट्रांसफॉर्मेशन सेट एंड क्रिएट क्रिप्टो मैप, और उसके बाद लास्ट में आता है अप्लाई क्रिप्टो मैप ऑन एग्जिट इंटरफेस, जो हमारे एग्जिट इंटरफेस होगा. ठीक है, एक साइट का, तो उस पर हमें उसको अप्लाई करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने कुछ स्लाइडें बनाई हैं. ठीक है, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5. ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे. तो ये स्टेप हमारा, इसमें हमें क्या करना है, इंक्रिप्शन मेथड सेलेक्ट करना है, हैशिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट करना है, ऑथेंटिकेशन मेथड प्रीशेड की डिफाइन हम इसमें मेंशन करेंगे, मैनुअली क्रिएट एंड डिफी हेलमेन ग्रुप एंड लाइफ टाइम. तो
सो शैल वी स्टार्ट। तो यहाँ पे एक ये एक मेरी लैब है, IPsec VPN। तो गाइस यहाँ पे ये लैब है हमारी IPsec VPN के लिए, कि हाउ टू कॉन्फ़िगर IPsec VPN इन सिस्को इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो मैंने लैब एक क्रिएट करी है उसमें दो राउटर हैं हमारे पास, R1 और R2। मीन्स ये हमारी क्या है, साइट, आप इसको बोल सकते हो साइट ए और दूसरी है हमारी साइट बी। तो दोनों जो हमारी साइट हैं वो क्लाउड इंटरनेट मीन्स पब्लिक आईपी उनसे उससे कनेक्टेड है, और जो ये इंटरफेस पे आईपी है ये हमारे पब्लिक आईपी है, और ये हमारा इंट्रा नेटवर्क जिसका आईपी क्या है, 150.1.1.0/24 का नेटवर्क है हमारा, ठीक है। तो ये एक स्विच और ये दो पीसी लिए मैंने और जिन पे आईपी साइन किया हुआ, सेम चीज़ हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है। और यहाँ पे जो हमारे आईपी एड्रेस हैं वो ये आईपी एड्रेस है पब्लिक आईपी, और यहाँ पे जो सबनेट हमारा 160.1.1.0/24 का सबनेट। तो बेसिकली कई बार हमारे पास एक कई बार चैलेंजेस आता है कि पीसी को आईपी कैसे साइन करते हैं। तो ये भी एक टास्क है कि हम पीसी को DNS में पीसी को आईपी कैसे साइन करते हैं। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ, जस्ट आई विल शो यू वन कमांड। जैसे ये कमांड आती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पीसी को आईपी साइन करते हैं, आईपी एड्रेस एंड सबनेट और उसके बाद उसका गेटवे। सेम चीज़ मैंने PC1, PC3 एंड PC2 में उसका अपना आईपी और PC4 में इस नेटवर्क का आईपी साइन किया और गेटवे Fastnet 0/1 को प्रोवाइड करा। तो यहाँ पे हमारा गेटवे है और इस साइड Fastnet 0/1 को। तो लेट्स स्टार्ट Router 1 कॉन्फ़िगरेशन। ओपन कंसोल। सो सबसे पहले हम साइट ए, तो यहाँ पे R1 है मेरा, होस्ट नेम के थ्रू मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं साइट ए वट एवर कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, Step 1 था हमारा, जो Step 1 में क्या किया था हमने, कन्फिगर आईसेक एम कन्फिगर करना। और उससे पहले हमें इंटरफेस चेक करने है कि इंटरफेस पे आईपी साइन है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटरफेस पे आईपी को साइन करना है। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड R1 पे हम, तो R1 के फास्ट इथरनेट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस, आईपी क्या हमारा 10.1.1.1/25.0, देन नो शट डाउन, देन एग्जिट। और नेक्स्ट है मेरा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस, आईपी क्या है मेरा जो मेरा इस नेटवर्क का, दैट इज 150.1.1.1/2.5.2.5.2.5.0 एंड नो शट। नो शट इसलिए करते हैं ताकि इनेबल रहे, इनेबल करने के लिए, अप करने के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा स्टेटस पहले डाउन था, ठीक है, वो अप है, अप चेंज स्टेटस टू अप।
line protocol interface Fastnet 0 by change statuses to up. तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, आईपी को साइन किया, एंड और नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉन्फ़िगर द आईसेकैम. तो उसके लिए एक्सिट क्रिप्टो आईसेकैम पॉलिसी टू इंक्रिप्शन. यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करके इंक्रिप्शन देख सकते हो, आपकी कोई जो आपको सेलेक्ट करनी है. तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 3ES एंड नेक्स्ट इज हैश अगेन क्वेश्चन मार्क करके. यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको हैश एल्गोरिथम कौन सी सेलेक्ट करनी है, MD5 और SHA. तो यहाँ पे मैं MD5 एंटर, अगेन ग्रुप सेलेक्ट करना है मुझे. ओके डिफी हेलमिन ग्रुप 2. उसके बाद ऑथेंटिकेशन, सेम क्वेश्चन मार्क करोगे आपको हर एक कमांड के बारे में डिटेल शो करेगा, आपको नेक्स्ट कौन सी कमांड रन करनी है आप देख के आप रन कर सकते हो उसको. सिस्को का यही एक एडवांटेज है कि ये हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है, एक अच्छी यूजर फ्रेंडली है ये. ऑथेंटिकेशन प्री शेयर्ड की के लिए, एंड उसके बाद लाइफ टाइम पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 लाइफ टाइम देना है इसका, 8640 लॉन्ग लाइफ टाइम, देन एंटर. तो सेम चीज यहाँ पे दिस वन ऐसे क्या कॉन्फ़िगरेशन, और ये स्टेप हमने कॉन्फ़िगर कर लिया. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक की क्रिएट करते हैं रिमोट पब्लिक आईपी. उसके लिए कमांड क्या है, एग्जिट आओ. उसके एग्जिट करने के बाद क्रिप्टो आईसा कैम्प देन नेक्स्ट क्या है, मेरा मुझे की प्रोवाइड करनी है. की कौन सी, सेट प्री शेयर्ड की फॉर रिमोट पीयर. रिमोट पीयर के लिए मुझे क्या करना है, एक की सेट करनी है. देन नेक्स्ट वन क्या है मेरी की, उसके बाद की क्या सेट करनी है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है. जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे सिस्को 123. उस नेक्स्ट क्या है मेरा एड्रेस, किसका, रिमोट पीयर का एड्रेस क्या है मेरे पास, पब्लिक आईपी 10.1.1.1.2. देन एंटर. और तो जो हमारा स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे. दिस वन ये वाला. और अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या हमारा, एक्सटेंडेड ACL को हमें कॉन्फ़िगर करना है. ACL क्रिएट एक्सटेंडेड ACL एंड वी हैव डिफाइंड दैट विच इंटरेस्टेड ट्रैफिक विल पास थ्रू द IPsec VPN. यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि जो हमारा कौन सा इंटरेस्टेड ट्रैफिक है जो हम इस टनल के थ्रू पास करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक ACL क्रिएट करनी है. ACL क्रिएट करने के लिए आईपी एक्सेस लिस्ट कौन सी हमारी, एक्सटेंडेड. देखो दो टाइप की लिस्ट आती है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड. तो यहाँ पे हम एक्सटेंडेड को कॉन्फ़िगर करेंगे, एक्सटेंडेड. उसके बाद नेम क्या है मेरा, साइट ए, यहाँ उसको मैं कैपिटल ही कर देता हूँ, साइट ए अंडरस्कोर साइट बी. ये मेरा क्या
एक ए सी एल मैंने क्रिएट की साइट ए और एक सेकंड किया मेरे पास साइट बी। ओके तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ट्रैफिक कौन सा मुझे ट्रैफिक सेंड करना है उसके लिए मुझे जो आईपी एड्रेस है उसको परमिट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे परमिट आईपी, आईपी क्या है मेरे पास 150.1.1.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0.0.0.255 एंड देन डेस्टिनेशन क्या है मेरे पास देन एंटर। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सटेंडेड एसीएल को कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद हमें क्या करना है, एग्जिट। एग्जिट आने के बाद सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, क्रिएट ट्रांसफॉर्म सेट फेस टू कॉन्फ़िगर करना है। उसमें दिस ट्रांसफॉर्म सेट यूज टू प्रोटेक्ट डेटा। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए दो टाइप यहाँ पे है हमारे पास, इंक्रिप्शन मेथड सेलेक्ट करना है हमें और हैश एल्गोरिथम मिनिमाइज। नेक्स्ट क्या हमारे पास स्टेप थ्री, तो इंक्रिप्शन मेथड एंड हैशिंग एल्गोरिथम, उसके लिए क्रिप्टो आईपी सेक। सेम क्वेश्चन मार्क करोगे आप यहाँ पे, आपको ट्रांसफॉर्म सेट हर एक इंफॉर्मेशन शो करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म सेट देन एंड नेम, ट्रांसफॉर्म सेट का नाम जैसे कि रोक 1 2 3। ओके एंड पीएसपी 3ds एंड इनकैप्सुलेशन MD5, ओके HMAC, देन एंटर। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने थर्ड स्टेप को कंप्लीट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, एग्जिट। तो यहाँ ये स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंक्रिप्शन मेथड हमारा और MD5। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, क्रिएट क्रिप्टो मैप। अब हमें क्या करना, क्रिएट क्रिप्टो मैप। तो क्रिप्टो मैप यूज टू मैप आईसा कैम्प एंड आईपीसेक कॉन्फ़िगरेशन टुगेदर विच वी हैव डिफाइंड प्रीवियसली। ओके जो हमने प्रीवियसली डिफाइन किया है, क्या किया था हमने, दिस वन। ओके यू कैन ऑल्सो चेक। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्रिप्टो, क्रिप्टो नेम। यहाँ पे नेम आपको मेंशन करना है, लाइक जैसे कि माय लाइफ, माय लाइफ मैंने सेलेक्ट कर दिया। क्रिप्टो मैप क्रिएट करना है मुझे और 10 एंड आईपी सेक क्रिप्टो मैप नेम माई लाइफ एंड आईपी सेक आईसा एंटर। दिस न्यू क्रिप्टो मैप विल रिमेन डिसेबल अंटिल अपीयर एंड ए वैलिड एक्सेस लिस्ट हैव बीन कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट पियर, सेट पियर पीयर एड्रेस वन डॉट वन डॉट वन डॉट टू ओके
एंड नेक्स्ट हमारे पास सेट ट्रांसफॉर्मेशन सेट नेम, यहाँ पे जो हमने नेम प्रोवाइड किया था इसको, दैट इज दिस वन, टॉप 1 2 3 एंड एंटर, देन मैच एड्रेस जो हमारी साइट है, साइट नेम दिस वन, देन एंटर। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट 1 2 3 एंड फोर्थ स्टेप हमने कॉन्फ़िगर किया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेप फिफ्थ, अप्लाई क्रिप्टो मैप टू द एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस दिस वन, फास्ट नेट 0/0, दिस पब्लिक नेट, इसमें हमें इस क्रिप्टो क्रिप्टो मैप को कॉन्फ़िगर करना। तो ओके, तो राउटर वन, यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस कौन सा है हमारा, फास्ट नेट 0/0 आईपी एंड क्रिप्टो, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो मैप था मेरा माई लाइफ, एक बार चेक कर लेते हैं हम, क्रिप्टो मैप था मेरा माई लाइफ, राइट। तो एक बार मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट एंड एंटर, या आईसा कैंप इज ऑन, सो नाउ यू विल सी क्रिप्टो सेक्स आईसा कैंप ऑन ऑफ एंड स्टेटस क्या हमारा, आईसा कैंप इज ऑन। तो डू सेविंग के लिए, तो गाइज हमने अभी क्या किया, जो IPsec VPN है हमने R1 इन साइट ए पे कॉन्फ़िगर किया अभी, और सिमिलर हमें क्या करना है, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट स्टेप वन, सेम हमें क्या करना है साइट टू पे कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे सेव मिनिमाइज, नाउ हमें क्या करना है PC2 पे, गो टू PC कंसोल, सेम इससे पहले हम IP चेक करें, शो IP इंटरफेस। तो यहाँ पे अभी मैंने कोई IP साइन नहीं किया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके इंटरफेस पे IP असाइन करना है। तो नेक्स्ट इज कॉन्फिग, और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, शो वर्जन, वर्जन जो मेरे राउटर हैं 3700 सीरीज के राउटर हैं, सिस्को राउटर दिस वन, साइन करना, इंटरफेस फास्ट नेट 0/0 एंटर, IP एड्रेस 1.1.1.2 2.5.2.5.0 एंड नो शट, एंड अनदर इंटरफेस इज इंटरफेस फास्ट नेट 0/1 एंड IP एड्रेस that is 160.1.1.1 then 2.5.2.5.2.5.0 0, yes, and no shunt, exit। तो जो हमने now the status is off, तो जो हमने IPsec VPN site R1 में configure किया था, same अब हमें क्या करना है R2 site में configure करना है। तो जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं इसमें IPsec को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सेम कमांड यहाँ पे R1 को भी शो कर देता हूँ, क्रिप्टो आईसा कैंप
policy 2, enter, encryption, same, जो मैंने वहाँ पे किया था 3DS, हैश को एल्गोरिथम क्या थी मेरी MD5, ग्रुप 2 एंड ऑथेंटिकेशन शेयर एंड लाइफ टाइम मेरा 8 6 4 00 एंटर ओके देन एग्जिट क्रिप्टो आइसा आइसा कैंप की सिस्को 1 2 3 ये मेरी की थी उसके बाद एड्रेस एड्रेस क्या था मेरा जो साइट है 1.1.1.1 देन हमें क्या करना आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड यहाँ पे क्या है साइट बी टू साइट ए एंटर परमिट आईपी 160.1.1.0 0.0.0. यहाँ पे लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था आपको दिस इज मेरा सोर्स और मुझे कहाँ के लिए की इससे मुझे परमिट करना है 160.1.1.1 एंड मेरा पॉइंट करना एंड नेक्स्ट इज मेरा 1.0.1.1 एंड 0.0.0.2.5 एंटर देन एक्सेल कॉन्फ़िगर एंड एग्जिट एग्जिट होने के बाद अब क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेट एंड आर ओ सी के 1 2 3 एस पी 3DS ए MD5 नाउ क्रिप्टो मैप सेम ही मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इसमें माय लाइफ एंड आईपी सेक आईसा कैम ओके एंड सेट पियर 1.1.1.1 रिमोट पियर एंड सेट ट्रांसफॉर्मेशन सेट रॉक 1 2 3 एंटर मैच एड्रेस था मेरा साइट 1 और सॉरी साइट बी एंड साइट एंटर तो यहाँ पे मैंने क्या किया स्टेप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 मैंने कंप्लीट किए और नेक्स्ट क्या मेरा अब जो मुझे फिफ्थ स्टेप पे जाना है फिफ्थ स्टेप के लिए मुझे इंटरफेस में क्रिप्टो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम हैं इंटरफेस क्या है मेरा इंटरफेस फास्ट नेट 0/0 देन क्रिप्टो मैप सेम माय लाइफ मैंने प्रोवाइड किया था यहाँ पे लेट मी चेक या दिस वन ओके एंड एंटर तो यहाँ पे मैंने क्या किया इसको कॉन्फ़िगर कर दिया अब नेक्स्ट क्या है अब मुझे चेक करना है अपनी रीचेबिलिटी तो शो क्रिप्टो आइसा कैंप कुछ कमांड्स से मैं आपको
ट्रबल शूटिंग कमांड्स या एग्जिट एग्जिट अगेन एग्जिट, जैसे कि शो क्रिप्टो आइसा कैंप एंड ऐसे शो आइसा कैंप सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन एंटर। अभी कोई मैंने ट्रैफिक साइन नहीं किया। अगेन वन मोर कमांड शो क्रिप्टो आईपीसेक ऐसे, ओके ओके स्टिल नो पैकेट क्लोज आई डिडंट डू एनी पिंग रिस्पॉन्स शो चेक शो क्रिप्टो ओके दिस माय पीयर फॉर दिस 500 परमिट दिस वन ओके। सो अभी हमें क्या करना है, आईपी ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, पीसी वन से मैं टू को कम्युनिकेशन करता हूँ। तो जो भी कन्फ्यूजेशन थी उसको कंप्लीट करने के बाद, साइट ए और साइट बी कन्फ्यूजेशन करने के बाद, आप चेक कर सकते हो कि साइट ए और साइट बी के इंक्रिप्टेड इंक्रिप्शन पैकेट जो हमने आईपी सेक्ट में कन्फिगर किया, तो यहाँ से यहाँ जो हमारा पैकेट जाएगा वो सिक्योर कम्युनिकेशन होगा एंड टू एंड पीसी वन टू पीसी टू। और यू कैन ऑल्सो ऐड मोर डिवाइस ऑन दिस एंड सो गाइज थैंक्स टू वॉच हैव ए नाइस डे।